उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताज़ा मामला संभल से सामने आया है, जहां पर 5 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दिहाड़े पूर्व प्रधान सबराज सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग से पूर्व प्रधान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हत्या की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोली मार के भागे, हम तो सोच रहे हैं कि वैसे ही टायर पैर फटा। अब जो देखा तो है बहुत सारे आदमी हैं, तो भैया 4-5 तमंचे पे 5 आदमी है, गोली मार के भागे। हमने कभी पहले देखे नहीं, तो उनकी पहचान क्या? किस चीज़ पे थे वो लोग? बाइकों पे थे। क्या बाइकें थी? 2। कितने लोग थे? 5। किधर से आए थे? हमें ना मालूम भाई किधर से आए थे, लेकिन हमने तो यहीं गोली मारते हुए देखे और भागते हुए देखे। पहचान नहीं करी आपने किसी? ना, क्या कर रहे थे यहाँ पे? बेचारे खड़े थे रोड के किनारे। तुम्हारे पास बैठे थे शराब पी ऐसा कुछ? ना ना ना, ठीक ठीक, कहीं से आन कर रुक गए, पता नहीं क्यों रुके। कोई क्या पता लेते, ऐसे भी होता है, क्या पता लेते। अभी इस दफा अब ना मिले एक्सीडेंट वाले। था इनके साथ ही? अकेले थे? अकेले ही भैया। ठीक, यहाँ बाइक से अकेले खड़े हुए? हाँ, अकेले थे। रोड मूली में जैसा पूर्व प्रधान की हत्या का मामला है, सर क्या है सर पूरा मामला? ये देखिए, सैदपुर जसकोली के पूर्व प्रधान सुराज आज शाम को असमोली में देसी शराब के ठेके पर शराब पी रहे थे। उनके साथ एक पूर्व प्रधान राजेंद्र भी थे। ये बताया गया कि 5 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा पहले उनसे बातचीत कुछ की गई, उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उनके बेटे द्वारा तहरीर अंकित कराई गई है। थाने पर 300 के अंतर्गत अभियोग लिखकर पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है इसका, घटना का शीघ्र नावकरण, हत्या तो गिरफ्तार।